हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू पालक पराठे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएंगे। यदि आपके बच्चे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। आप उनके लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हो। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा मैंने यहाँ पे लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और इसे इस तरीके से हम दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से पीस लिया है। अब हम ले लेंगे उबले हुए आलू। यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के उबले हुए आलू लिए। आप चाहे तो मीडियम साइज़ के ले सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसे मैश करना है। जो हरी मिर्च की चटनी हमने बना के रखी हुई थी वो अब हम इसमें डाल देंगे। मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटो मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। पालक को मैंने अच्छे से धो कर इस तरीके से कट कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे हम 1/2 छोटी चम्मच। धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच। और लाल मिर्च हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला 1/2 छोटा चम्मच। गरम मसाला डाल रही हूँ मैं यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच। धनिया डाल देंगे हम यहाँ पे कट करके। और टेस्ट के अनुसार नमक हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी मैश करके मिक्स कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए आलू पालक की स्टफिंग बनकर तैयार है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से आटा गूंथ कर तैयार कर लिया है। यहाँ पे सूखा आटा लिया है मैंने और ऑयल लिया है यहाँ पे पराठे में लगाने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे घी या बटर भी ले सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लोई बना करके तैयार कर ली है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी लोई बनाकर तैयार कर सकते हो। इस तरीके से हम इसे कटोरी का शेप देंगे और इसके अंदर हम भरेंगे आलू पालक की स्टफिंग। ये देखिए, यहाँ पे मैं इसमें 1 चम्मच आलू पालक की स्टफिंग इसमें भर रही हूँ। और इस तरीके से हम इसे बंद करेंगे। जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं उसी तरीके से हमें ये बनाने हैं। हल्के हाथ से हम इसे दबाएंगे और इस तरीके से हमें सूखा आटा लगाकर हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे हल्के हाथ से बेलना है। ये देखिए, पराठा बनके तैयार है। गैस पे मैंने तवा रख दिया था, तवा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हम पराठा। हम इसे सेक लेंगे। जब तक ये पराठा हमारा सिक रहा है तब तक हम दूसरा पराठा बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, उसी तरीके से मैंने फिर से एक लोई बना करके तैयार कर ली है और इसे इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। इसमें हम भर देंगे स्टफिंग। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से पलटते हुए हमें आलू का पराठा सेकना है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है। ये देखिए, इस तरीके से मैं लोई को बंद करते हुए इसका पराठा बना रही हूँ। सूखा आटा लगाकर अब हम इसे बेल लेंगे। बच्चों के टिफ़िन के लिए आप ये पराठा बना सकते हो। रात को ही आप आलू की स्टफिंग बना करके तैयार कर सकते हो और सुबह जल्दी से आप ये पराठे बना सकते हो।
बहुत ही जल्दी और चटपटे पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स, और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। इस तरीके से मैं इसे ऑयल लगा के सेक रही हूँ। ये देखिए पराठा बनके तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स पराठा बनके तैयार है। उसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी यहाँ पे सेक करके तैयार करूँगी। ये देखिए दोनों साइड से हमें इसे इस तरीके से सेकना है, और जब ये हल्का सा दोनों साइड से सेक जाए तब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। और दोनों साइड से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए यहाँ पे दूसरा भी पराठा बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी चटपटे आलू पालक के पराठे बनके तैयार है। आप इसे अचार के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर मूंगफली की खट्टी मीठी चटनी बना के सर्व कर सकते हो, या फिर सॉस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ की अपडेट्स मिलती रहें।